नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश की राजनीति, दो बड़े सियासी चेहरे बीएसपी सुप्रीमो मायावती और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, दोनों विधानसभा चुनाव को लेकर के यहां 10 सीटों के चिंतन मंथन के लिए अब आगामी रणनीतियां तैयार करने में जुट चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां यहां पर चिंतन मंथन के दौर में जुट चुकी है। समाजवादी पार्टी 3 यहां पर कार्यकर्ताओं के अपने सम्मेलन लखनऊ दफ्तर पर बुला चुकी है और आने वाले वक्त में बड़ी जीत दर्ज करने के इरादे से अखिलेश यादव आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मायावती के अखिलेश यादव के साथ अब गठबंधन करते हुए नजर आएंगी, क्योंकि 2024 में सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उत्तर प्रदेश में उभरी समाजवादी पार्टी काफी मजबूत नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताजनक विषय यह है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर यदि मायावती और अखिलेश यादव एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हुए नजर आए तो फिर इंडिया गठबंधन यहाँ पर बीजेपी के सामने मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि बीजेपी के लिए मुश्किल इसलिए खड़ी हो सकती है कि सहयोगी दल भी लगातार सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। संजय निषाद की बात करें, ओम प्रकाश राजभर की बात करें या फिर जयंत चौधरी की बात करें, ये तमाम ऐसे सहयोगी दल हैं, सहयोगी नेता हैं जो विधानसभा उपचुनाव में दो दो तीन तीन सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने ये कहा कि मायावती का सबको सम्मान करना चाहिए, लिहाजा मायावती आने वाले वक्त में एक बड़ा फैक्टर हो सकती है। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान वह जीत दर्ज करने में नाकाम रही थी, विधानसभा उपचुनाव में यहां पर क्या बड़ी जीत दर्ज कर पाएंगी, क्या अखिलेश यादव का समर्थन उनके लिए रंग ला सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल की राजनीति को देखें, 2022 के विधानसभा चुनाव में भी मायावती की पार्टी का बेहद खराब प्रदर्शन रहा था और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी एक भी सीट दर्ज जीत नहीं कर पाई। यानी कि साफ संकेत यहां से ये मिलते हैं कि मायावती का सियासी जनाधार उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार मायावती और अखिलेश यादव क्या वाकई में एक दूसरे के साथ गठबंधन करते हैं और क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा सियासी तख्ता पलट एक बार फिर बुआ भतीजे की जोड़ी करती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।